हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ए आर वी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, अभी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने होंडा एक्टिवा की स्लेंडर किट की अनबॉक्सिंग की थी, जिसमें हमने देखा सैम का पिस्टन निकला है बाय डिफॉल्ट कंपनी से जेन्युइन। तो हमने सोचा सैम का पिस्टन अलग से परचेज करते हैं, तो ये हमारे हाथ में सैम का पिस्टन है, हमने खरीदा है, एक्टिवा का ही सैम का पिस्टन खरीदा है। अच्छा, एक्टिवा ओल्ड का सैम का पिस्टन है ये और स्टैंडर्ड साइज़ का ये है। तो हम कंपेयर करेंगे भाई क्वालिटी को कि क्या होंडा के अंदर जेन्युइन जो पिस्टन आ रहा है वो, और अलग से हम आफ्टर मार्केट सैम का डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करके लेकर आए हैं। अब इस चीज़ की श्योरिटी कि जेन्युइन है ये, क्योंकि आफ्टर मार्केट आपको लोकल पुर्जे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये श्योरिटी कि अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हो कोई भी पार्ट, तो आपको 100% जेन्युइन की श्योरिटी होगी कि वहाँ पे आपको जेन्युइन ही मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर आप परचेज कर रहे हैं या डीलर लेवल पे परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी रिटेलर से परचेज कर रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं शंका होगी। आजकल इसके ऊपर भी भाई बहुत ज़्यादा करोलबाग के अंदर दिक्कतें हैं मार्केट में पूरी, मतलब करोलबाग बेसिकली एक बहुत बड़ा हब है स्पेयर पार्ट्स का, जहाँ पर आपको एक नट बोल्ट से लेके पूरी बाइक तैयार करने तक का सामान मिल जाएगा, साथ ही डुप्लीकेट भी बहुत है वहाँ पर। तो अभी हमने एक छोटी सी इंस्टा पे रील भी डाली थी जिसके अंदर भाई हमने डिस्पैट दिखाए थे, यामा FZ के 1000 रुपये के डिस्पैट 60 रुपये में मिल रहे हैं, जिनकी कीमत 60-70 रुपये की है, वो 1000 रुपये के चेप रहे हैं। बताओ यार, मतलब ये चल रहा है कि कस्टमर के दिमाग में रहेगा कि उसने 1000 रुपये के डिस्पैट खरीदें, जेन्युइन खरीदें, 4 दिन बाद खराब हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएगा, उसका ट्रस्ट खराब हो जाएगा, यार ये तो बहुत बेकार कंपनी है यार यामा, तो यार इसके तो डिस्पैट ही नहीं चलते, दिमाग में यही रहेगा ना भाई उसके, तो उसने जेन्युइन खरीदे हैं। लेकिन हुआ क्या, उसे लोकल मिल गए। तो ऐसी चीज़ें बहुत चल रही हैं, इससे भाई सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको भी किसी चीज़ पे डाउट है, किसी पार्ट्स के बारे में आपको भी वीडियो ऐसी चाहिए कि कैसे पहचाने कि वो ओरिजिनल है या लोकल है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो डालने की। तो फटाफट से इस वीडियो को बनाते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं इस पिस्टन की, साथ में सिलेंडर किट को दोबारा से खोलते हैं और उसमें भी दिखाते हैं कि पिस्टन की क्वालिटी इसकी क्वालिटी से किस हद तक मैच करती है, कितना डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, ये हमारे पास सैम का पिस्टन है जो कि स्टैंडर्ड साइज का है। नई सिलेंडर किट खरीदोगे तो सेम साइज आपको निकलेगा। होंडा एक्टिवा एच यानी होंडा एक्टिवा सैम के अंदर हमने लिया है, 664 रुपये इसकी MRP है और इसमें सारी डिटेल है, इसके ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले अपना एक्टिवा की सिलेंडर किट पे आते हैं। ये हमारे पास एक्टिवा की जेन्युइन सिलेंडर किट है, एक्टिवा 3G की है और इसकी MRP है 3490 रुपये। तो इसे खोल के इसे अनबॉक्स तो हम कर ही चुके हैं पहले, अब बस आपको दिखाना है कि पिस्टन की क्वालिटी जो है इसके अंदर जो सैम का निकलेगा वो पिस्टन, और जो हमने अलग से सैम का पिस्टन खरीदा है उस पिस्टन में कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, 100% जेन्युइन कंपनी जो खरीद रही है और अलग से जो हम खरीद रहे हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है क्वालिटी का। अब कितना आता है ये तो हम खोलने के बाद ही देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि डिफरेंस है भी या फिर नहीं है। तो इसे हाफ किट को साइड करते हैं। हाफ किट बोले तो गैस्केट है, यहाँ पे लॉक और गजन पिन वगैरह है, सब कुछ है। ये हमारा पिस्टन है, उसके अलावा ये है रिंगे। अच्छा, रिंगों पे तो हम आएंगे ही नहीं, रिंगे तो इसमें उषा की निकली है, तो इसे साइड कर देते हैं। ये हम पिस्टन को निकालते हैं बाहर सबसे पहले। तो ये हमारे हाथ में आ गया पिस्टन। तो भाई होंडा एक्टिवा का कंप्लीट पिस्टन है और वो जो पिस्टन है वो है हमारा सैम का। WPG पार्ट नंबर है, ये जेन्युइन पार्ट नंबर है WPG। हमें बस डिफरेंस देखना है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो SP लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है SP यानी सैम। तो सैम का पिस्टन इसमें निकला है। यहाँ पे पिस्टन को बारीकी से देख लेते हैं। अच्छा, एक बार और देखेंगे। अब आते हैं अपना इस वाले पिस्टन पे जो हमारे हाथ में है, सैम का पिस्टन होंडा एक्टिवा है। सबसे पहले यहाँ पे सारी डिटेल देख लेते हैं। डायग्राम है 50 mm और साइज़ है इसका स्टैंडर्ड। डायग्राम अलग चीज़ होती है, साइज़ अलग चीज़ होती है। साइज़ है स्टैंडर्ड 50 mm, जो डायग्राम होगा शायद उसके बोर का साइज होगा। पिस्टन एक पीस निकलेगा, क्या क्या है बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। एक पिन निकलेगी, सरक्लिप्स यानी पिस्टन का लॉक एक सेट निकलेगा, एक सेट में 2 लॉक होते हैं, रिंग सेट एक, ऑल स्टील रिंग्स, और MRP है 664 रुपये। अच्छा, MRP इसकी 664 रुपये, लेकिन ये 664 रुपये का आपको पड़ेगा नहीं। कितने का पड़ेगा इसके लिए मैंने आपको सैम के डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जो कि करोलबाग के अंदर बहुत ही पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं सैम के। आप उनका नंबर वीडियो के अंदर मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का भाई अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से मेरे चैनल पर जाइए और वो वीडियो देखिए, उस पर आपको सैम से रिलेटेड हर एक नॉलेज मिल जाएगी, हर एक जानकारी मिल जाएगी। तो फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, खोल लेते हैं पिस्टन को और देखते हैं कि 100% जेन्युइन में जो सिलेंडर किट में सैम का पिस्टन निकला है और अलग से जो सैम निकल रहा है उसमें कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो रिंगे, भाई रिंगों को तो साइड करते हैं, रिंगों पे नहीं आएंगे क्योंकि रिंगे उसमें उषा के निकली है। अच्छा, एक और चीज़ कहें तो हम TVS के अंदर तो 101% जेन्युइन है,
और यहाँ पर भाई सबसे पहले देख लेते हैं सैम के अंदर क्या निकल रहा है, 4 रीबोरर। अच्छा, सैम के अंदर पिस्टन के अंदर भी खरादिया जो होता है, रीबोरर बेसिकली हम खरादिया को बोलते हैं, जो खराद का काम करता है, सिलेंडर को जो बोर करता है, उसके लिए कोई कूपन कोड वगैरह निकला है, ऑफर है कोई? अब ये भाई मुझे तो समझ नहीं आएगा, इसे समझने के लिए भी आप भाई उन्हीं से बात करिए जो सैम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल दे पाएंगे। तो इसे साइड करते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है, आते हैं मेन अपना पिस्टन के ऊपर। तो ये हमारे हाथ में एक गजन पिन है, गजन पिन की क्वालिटी हम जरूर चेक करेंगे भाई, क्योंकि गजन पिन का भी अपने आप में बहुत अहम रोल होता है, ये कनेक्ट करती है पिस्टन को क्रैंक से। तो गजन पिन की क्वालिटी एक नंबर है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ है नहीं अभी तक। अब आते हैं, 2 लॉक हैं इसके हमारे, और अब लास्ट में आते हैं हम पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन भी भाई एक और अलग से पन्नी के अंदर पैक है, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है ये, तो इसे भी साइड करते हैं, रिसाइकल वाली प्लास्टिक है। अब आते हैं पिस्टन पे, देखते हैं भाई पिस्टन में। सबसे पहले तो यहाँ पर पिस्टन जो है KPL लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बता देते हैं, ये होंडा एक्टिवा में होंडा एक्टिवा, सिर्फ ये होंडा एक्टिवा ओल्ड का पिस्टन है, इसलिए इस पे लिखा है KPL पार्ट नंबर। KPL बेसिकली मैं समझा देता हूँ, KPL जो होता है एक्टिवा ओल्ड का पार्ट नंबर होता है। एक्टिवा ओल्ड यानी कि 2012 वाली एक्टिवा या उससे पहले की पार्ट नंबर वाली जो एक्टिवा है उस पर KPL यूज़ होता था, और उसके बाद जो नई गाड़ी आई थी वो WPG के नाम से आई थी, ये 3G का पार्ट नंबर है। अच्छा, सिलेंडर किट हमने 3G की ली है, इसलिए 3G वाला पिस्टन निकला है, अगर ओल्ड की लेते तो KPL ही निकलता उस पर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पिस्टन की क्वालिटी चेक करते हैं, इसमें आपको कोई फ़र्क दिख रहा है क्या मटेरियल में? भाई मुझे, मेरी आंखों के सामने है तो मुझे इतना ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख के मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इस पिस्टन के अंदर कोई फ़र्क है। पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर इस पर STD स्टैंडर्ड साइज वगैरह कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर पिस्टन के ऊपर स्टैंडर्ड इन्होंने अलग से गुदा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो अलग से मशीन आती है इसे लिखने की, वो हल्का सा चल गया है तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर सेम IN IN और यहाँ पे KPL है, तो यहाँ पे होंडा का जन्म पार्ट नंबर। उसके अलावा यहाँ पर आएंगे पिस्टन को देखेंगे अगर क्वालिटी वाइज, तो यहाँ पर सेम आपको यहाँ पे KPL मिल जाएगा, और इधर देखते हैं कुछ है पार्ट नंबर नहीं, तो इधर भी आपको KPL का पार्ट नंबर मिल जाएगा सैम पे, लेकिन इधर WPG नहीं है, इधर WPG सिर्फ एक ही है। उसके अलावा अंदर सैम पिस्टन अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको साइड में नहीं दिखेगा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर बीचों बीच में लिखा हुआ है, और यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, बीचों बीच में यहाँ पर खाली है, इधर से भी खाली है, इधर भाई कोई कोड है अलग से SA, और इधर है एक SP, SP यानी कि सैम पिस्टन, और इधर आपको SP बीच में लिखा हुआ मिल जाएगा, सैम पिस्टन का लोगो है, और इधर आपको कोई और कोड है 8M। तो बाकी ये कुछ कोडिंग है भाई, ये अपने होंडा की और सैम के बीच में जो भी इनका टाइप हुआ है, जो भी कोलैबोरेशन हुआ है उसके ऊपर कुछ कोडिंग है। बाकी बात करें क्वालिटी की, हमारा मेन मोटिव था इसकी क्वालिटी को चेक करना। तो ये पिस्टन थोड़े से डिफरेंस होंगे इसलिए, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल का है, ये न्यू मॉडल का है, लेकिन अगर बात करें क्वालिटी वाइज, तो पिस्टन की क्वालिटी वाइज भी मेरे हाथ में है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई भी क्वालिटी डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सैम का पिस्टन होंडा जेन्युइन दे रहा है, और हमने सैम का आफ्टर मार्केट परचेज़ किया है, और इतना ज़्यादा अगर कोई क्वालिटी डिफरेंस होता तो हाथ में देख के पता लग जाता कि कोई डिफरेंस है या नहीं है। अच्छा, रिंगों पे अगर आएँ तो रिंगे जो हैं, इसकी रिंगे भी खोली लेते हैं लगे हाथों, कि रिंगों में भी क्या क्वालिटी है, क्या डिफरेंस है, अच्छा रिंगों पे सैम लिखा होता है या नहीं होता है। तो ये रिंगे हैं हमारी इसकी, 1 2 3 4 और 1 5, दो ये है हो गई हमारी छोटी, टॉप 1 टॉप 2, और 2 ऑयल रिंग हो गई और 1 प्रेशर रिंग हो गई। इसके अलावा रिंगों पे भी लिखा होगा सैम कहीं ना कहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सैम ना लिखा होगा रिंगों के ऊपर। तो यहाँ पर देख लीजिए सैम SAM और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड साइज़ की रिंग है सैम की, और यहाँ भी भाई ये भी हमारा सैम स्टैंडर्ड साइज़, तो सेम है। और मेरे हिसाब से तो रिंगे की क्वालिटी भी अच्छी है, और बात करूं पिस्टन की क्वालिटी की, तो कहीं ना कहीं पिस्टन की क्वालिटी भी भाई एक नंबर है दोनों की। इतना ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस तो मुझे नहीं लग रहा है, आप लोगों को कुछ भी अगर फ़र्क नज़र आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और आप लोग सैम का पिस्टन यूज़ करते हो या नहीं करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाइयों, ये थी हमारी सैम की प्रॉपर पिस्टन की अनबॉक्सिंग, जो कि 100% जेनुइन होंडा के अंदर आ रहा है। आशा करता हूँ भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के पहुँचती रहे। बाकी अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर भी हम बहुत सारी छोटी छोटी नॉलेजेबल वीडियो डालते रहते हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स। तो चलिए
मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।